हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, टाटा मोटर्स की नई 2 टन स्मॉल कमर्शियल व्हीकल यानी SCV के लॉन्च के पीछे का रीजन। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की जरूरत की। इंडिया का कमर्शियल व्हीकल मार्केट तेजी से बढ़ रहा है और छोटी वर्सेटाइल और एफिशिएंट व्हीकल की डिमांड बढ़ रहा है, जो कि अर्बन और रूरल एरियाज दोनों में ही इजीली नेविगेट कर सके। 2 टन SCV इज परफेक्ट इस सेगमेंट के लिए। ये इतना लाइट है कि शहर के ट्रैफिक को इजीली हैंडल कर सकता है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग भी है कि सब्सटेंशियल लोड भी कैरी कर सकता है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं टाटा क्यों इस सेगमेंट में ज़्यादा फोकस कर रहा है और टाटा शायद इस सेगमेंट में एक 2 टन SCV पिकअप, जो कि दोस्तों इंट्रा V90 या फिर V100 के नाम से लॉन्च कर सकता है। तो इसी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन उसको भी इनेबल कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जब भी कोई नया वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग उस वीडियो को जल्दी से देख पाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो टाटा इंट्रा V90 इसका बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो मेरी इस वीडियो को देखिए, जिसका आई बटन में लिंक रहेगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। तो चलिए दोस्तों, जो कारण मुझे लगता है जिसके कारण से टाटा या फिर कोई भी और अन्य ब्रांड जो है दोस्तों 2 टन SCV एक लॉन्च करना चाहता है, तो उसके पीछे का जो कारण है मुझे जो लगता है वही डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे लगता है वो है अर्बनाइजेशन। रैपिड अर्बनाइजेशन के साथ सिटीज का एक्सपेंशन हो रहा है और एफिशिएंट लॉजिस्टिक सॉल्यूशन के डिमांड भी बढ़ रहा है। एक 2 टन SCV नैरो स्ट्रीट और साथ ही कंजेशन एरिया में इजीली नेविगेट कर सकता है, जो दोस्तों टाइमली डिलीवरीज इंश्योर कर सकता है, जो कि दोस्तों टाइम का साथ साथ एक अच्छा मुनाफा भी निकाल के दे सकता है। अब अगर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट यानी 2 नंबर पॉइंट का अगर बात करें तो वो आ जाता है दोस्तों ई कॉमर्स को। इंडिया में ई कॉमर्स सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है, स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक स्मॉल कमर्शियल व्हीकल लास्ट माइल डिलीवरीज के लिए एक एसेंशियल जरूरत है, जो लार्ज डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर और कस्टमर को डोर स्टेप तक ले जाने के लिए एक ब्रिज का जैसा काम कर रहा है। 3 नंबर पॉइंट का बात करें तो वो है दोस्तों कॉस्ट एफिशिएंसी। एक व्हीकल बिजनेस के लिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन ऑफर करता है। इन्हें बाई, मेंटेनेंस और ऑपरेट करने में लार्ज ट्रक के मुकाबले सस्ता पड़ता है, जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाता है। 4th पॉइंट का बात करें तो वो है दोस्तों एनवायरमेंटल कंसर्न। इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल रेगुलेशन और ग्रीनर ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन के पुश के साथ स्मॉल कमर्शियल व्हीकल काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट और लो एमिशन वाला होता है। टाटा का नया SCV इन स्टैंडर्ड को मीट करता है और शायद फ्यूचर में इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड वेरिएंट को भी टाटा लॉन्च कर सकता है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा हमेशा से इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में पायनियर रहा है, अपनी इनोवेशन सॉल्यूशन और रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। 2 टन SCV सेगमेंट में एंट्री करके टाटा अपना वास्ट एक्सपीरियंस और इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज यूज कर रहा है मार्केट के इवॉल्विंग नीड्स को मीट करने के लिए। टाटा का कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट सक्सेसफुल लॉन्चेस का एक लंबा हिस्ट्री है। फ्रॉम आइकॉनिक टाटा एस टू टाटा 407, इन व्हीकल अपना रेस्पेक्टिव सेगमेंट में रेवोल्यूशन लाया। नया 2 टन SCV भी इस लेगेसी को कंटिन्यू करेगा बाय सेटिंग न्यू स्टैंडर्ड इन दिस सेगमेंट। तो इस नए SCV में हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, डिटेल्स अभी तक फुल्ली रिवील नहीं हुआ है, लेकिन इंडस्ट्री इंसाइडर कहते हैं कि ये एक मॉडर्न डिजाइन, इंप्रेसिव फ्यूल एफिशिएंसी और रोबस्ट पेलोड कैपेबिलिटी के साथ आएगा। एडिशनली हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ड्राइविंग कंफर्ट और सेफ्टी के लिए। मैंने दोस्तों ये जो नया 2 टन SCV जो पिकअप टाटा शायद लॉन्च कर सकता है, इसको कॉन्सेप्चुअली टाटा इंटर V90 का नाम दिया है। इस गाड़ी का दोस्तों डिटेल्स मैंने इस वीडियो में बोला गया है, ये दोस्तों एजम्पशन है। अगर आपको वो देखना है तो मेरे इस वीडियो को देखिए दोस्तों, जो आप लोगों का मेरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा टाटा का, वहाँ से आप लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। इस गाड़ी का अगर बेसिक जो स्पेसिफिकेशन उसका बात करें तो दोस्तों इस गाड़ी में आप लोगों को शायद एक 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिल सकता है, 4 सिलेंडर वाला, जो मैक्सिमम पावर और जो टॉर्क ये गाड़ी निकाल के दे सकता है वो दोस्तों जो मैक्सिमम पावर रहेगा वो रहेगा दोस्तों 80 से लेके 100 हॉर्स पावर का आसपास, और जो टॉर्क ये गाड़ी प्रोड्यूस कर सकता है वो दोस्तों 200 से लेके 220 न्यूटन मीटर का आसपास जो है मैक्सिमम टॉर्क ये गाड़ी निकाल के दे सकता है। जो क्लच आएगा वही दोस्तों 240 मिलीमीटर डायर का क्लच आ जाएगा और सिंक्रोनस टाइप का ये क्लच मिल जाएगा, और गियरबॉक्स भी दोस्तों आप लोगों को 5 फीट का गियरबॉक्स मिल जाएगा। ये दोस्तों मेरा एजम्पशन है। और जो पेलोड दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, इसका जो 2000 केजी का पेलोड है ये गाड़ी ऑफर कर देगा, जो कि एक अच्छा बात रहेगा। अब जो सवाल आ जाता है, टाटा के पास 2 टन SCV यानी टाटा योदा 2.0 तो ऑलरेडी है, तो टाटा क्यों फिर से ये गाड़ी लॉन्च करने वाला है? तो इसका कारण दोस्तों मुझे जो लगता है, ये जो गाड़ी रहेगा दोस्तों वो सिटी फोकस के लिए बेसिकली रहेगा, मतलब ये सिटी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसी में ये गाड़ी ज़्यादा चलेगा। वहीं पर योदा जो है दोस्तों उसका जो दोस्तों डाला है वो भी छोटा है, और दोस्तों 2 टन के हिसाब से, क्योंकि ये जो गाड़ी दोस्तों पहाड़ों में उबर खबर में चलने के लिए लायक बनाया गया है, ये गाड़ी सिटी के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि दोस्तों सिटी में इसका रनिंग कॉस्ट भी ज़्यादा आ जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ज़्यादा लोडिंग कैपेसिटी का साथ एक दोस्तों लो रनिंग कॉस्ट वाला गाड़ी जो है ये टाटा ये ऑफर कर सकता है, इसीलिए ये टाटा इस गाड़ी को लॉन्च करने वाला है 2 टन पेलोड सेगमेंट में सिटी पर्पज़ के लिए।
और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के एप्लीकेशन का, वो तो दोस्तों वही सिटी पर्पस का दोस्तों, मेनली ये गाड़ी चलेगा तो इसका दोस्तों ई कॉमर्स, FMCG ट्रांसपोर्टेशन और दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन और वाइट गुड्स, इन तरह का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये गाड़ी परफेक्ट रहेगा सिटी यूज़ के लिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों का मन में कोई भी डाउट है, अगर आप लोग कुछ भी पूछा जाते हैं इस गाड़ी के बारे में या फिर कोई भी गाड़ी के बारे में, तो कमेंट जरूर से लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने का। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन उसको भी नहीं कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जब भी कोई नया वीडियो में डालो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग वीडियो को जल्द से जल्द देख पाए। साथ ही दोस्तों अगर आप लोगों को नया टाटा SEV 1000 इस गाड़ी के बारे में अगर आप लोगों को जानना है, तो मेरे इस वीडियो को देखिए जिसका आई बटन में लिंक करा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। अब दोस्तों इस गाड़ी का जो प्राइसिंग और माइलेज का बात है, वो दोस्तों क्लियरली तो है नहीं दोस्तों ये गाड़ी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल गाड़ी है। इस गाड़ी का जो प्राइसिंग है वो दोस्तों मैं एज्यूम करता हूँ, तो इसका प्राइसिंग दोस्तों 12 लाख के आसपास ये गाड़ी ऑन रोड हो जाना चाहिए। और जो माइलेज ये गाड़ी देखे दे सकता है 2.2 लीटर का इंजन का साथ 4 सिलेंडर का साथ, वो दोस्तों आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 से लेकर 11 किलोमीटर पर लीटर के आसपास जो है माइलेज ये गाड़ी दे सकता है, अगर गाड़ी को दोस्तों आइडल कंडीशन में चलाया गया तो। तो दोस्तों ये था टाटा की अपकमिंग 2 टन SCV के बारे में सब कुछ। आपको क्या लगता है इस नए लॉन्च के बारे में, क्या आप एक्साइटेड है इसे रोड पर देखने के लिए, हमें कमेंट में ज़रूर से बताइए। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई और एक्साइटिंग ऑटोमोटिव अपडेट के साथ।